नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां नीट के छात्रों को मिली है एक बड़ी जीत। जो धांधली का आरोप लगाया जा रहा था, उससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि 1563 छात्रों के जो ग्रेस मार्क्स उन्हें दिए गए थे, वो रद्द कर दिए गए हैं। जी हाँ, और अब इन छात्रों को दो विकल्प दिए गए हैं, या तो दोबारा एग्जाम दें, या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के जो उनके नंबर बनते हैं उनके आधार पर वो काउंसलिंग में शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ये जानकारी दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज जज साहब ने कहा याचिकाकर्ताओं को कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है, ग्रेस मार्क्स को अब हटाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इसमें केवल वो छात्र शामिल होंगे जो दोबारा परीक्षा होगी, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसके अलावा एनटीए इन छात्रों को एक ऑप्शन और दे रहा है, वो ये, या तो वो नीट में शामिल हो सकते हैं जो दोबारा परीक्षा होगी, या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ वो काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अब ये परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा होगी 23 जून को। दोबारा ये परीक्षा कराई जाएगी 23 जून को, जिसमें 1563 ऐसे छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, वो इसमें शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 30 जून से पहले इनका परिणाम एनटीए द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। तो तमाम याचिकाओं का यही कहना था, याचिकाकर्ताओं का, कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसमें धांधली हुई है, अनियमितता हुई है। उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से 720 में से 719, 718 नंबर इनको दे दिए गए, वो लाना नामुमकिन है। और इसी के मद्देनज़र ये पूरी जो धांधली है, इसका आरोप लगाया जा रहा था। और अब इस पर ये जानकारी एनटीए की ओर से दी गई कि ये जो ग्रेस मार्क्स थे उन्हें रद्द किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि काउंसलिंग पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, काउंसलिंग जारी रहेगी, उसको रोका नहीं जाएगा। और जो दोबारा जिनकी परीक्षा हो रही है, उसके बाद उनका जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर उनकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी, या फिर अगर कोई बिना ग्रेस मार्क्स के भी शामिल होना चाहता है काउंसलिंग में, तो वो हो सकता है। और ये जो दोबारा परीक्षा होगी 1563 छात्रों की, वो केवल 6 एग्जाम सेंटर्स पर जो बच्चे थे उनके लिए ही आयोजित की जा रही है। आपको यहाँ पे ये भी बता दें, जो जानकारी देना ज़रूरी है, कि जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप क्या थे? आरोप ये थे कि पूरी नीट यूजी जो परीक्षा है वो दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गड़बड़ी हुई है। और उनकी ये भी मांग थी कि मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं एनटीए द्वारा, और इसमें कुछ बच्चों को 720 में से 718, 719 तक अंक दे दिए गए, जो कि लगभग लाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि एनटीए पर यह भी आरोप था कि उसने टाइम लॉस के लिए ग्रेस मार्क्स के जरिए कुछ स्टूडेंट्स को पिछले दरवाजे से एंट्री देने की कोशिश की है, यानी कि पक्षपात का आरोप लगाया गया था एनटीए पर। इस बात पर शक जाहिर किया गया था कि एक केंद्र से 6 टॉपर कैसे हो सकते हैं। और याचिका में ये भी मांग की गई थी कि ये जो कथित तौर पे जो पेपर लीक हुआ है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए, और जब तक ये ना हो जाए तब तक नीट की काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी। और अब जबकि एनटीए ने भी इस बात को कह दिया है कि दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, ग्रेस मार्क्स हटाए जा रहे हैं, तो पूरा विवाद अब खत्म माना जा सकता है। और नीट को लेकर जो छात्र संघर्ष कर रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, एक तरह से ये उनकी बड़ी जीत मानी जा रही है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।